इधर भागलपुर के समीक्षा भवन में विक्रमशिला महोत्सव को लेकर बैठक रखी गई। यह बैठक जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में की गई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि आगामी 17 और 18 मार्च को होने वाले विक्रमशिला महोत्सव कोविड 2 साल बाद आयोजित की जा रही है। उम्मीद है कि कार्यक्रम काफी खुशनुमा माहौल में सफल कराया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, पीरपैंती विधायक ललन पासवान और कई विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। दो साल के बाद आयोजन हो रहा है, सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना के कारण जो है ये आयोजन नहीं हो पा रहा, तो इस बार बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये आयोजन कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए आज पहली मीटिंग थी। और फिर कहलगांव में भी कमेटी वगैरह सारी बन जाएगी और सारी जिला स्तर के भी जो पदाधिकारी हैं, अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी, सब लोग मिल करके बहुत बढ़िया से हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। उसी की बात है, कोरोना के बाद से ये कोरोना पीरियड में विक्रमशिला महोत्सव नहीं हो पाया था हमारे पीरपैंती विधानसभा के विक्रमशिला खुदाई स्थल पर, वो 17-18 मार्च को होने जा रहा है। हालांकि हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है 17 को, विधानसभा में सत्र चल रहा है, वहाँ काफ़ी वाद विवाद भी है, इम्पोर्टेंट बिजनेस है वहाँ, तो हम लोग 18-19 का रखे हैं। फिर भी सरकार ने तय किया है, स्वागत योग्य है और हम लोगों ने बड़े ही मैंने खुशनुमा माहौल में मीटिंग किया है और सब लोगों ने किया है कि तुम बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को बनाना, एकदम रोल मॉडल तरीके से लोगों में अच्छा संदेश जाए, वहाँ के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता हो और बाहर से लोग जाएं, और विशेष तौर से सबको जाने आने की सुविधा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर काफ़ी जोर दिया गया, इसके प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया है ताकि उसके प्रति लोगों का आकर्षण हो। दुनिया में आकर्षण है लेकिन क्षेत्रीय उदासीनता है, इस पर जोर दिया गया, क्षेत्र के लोग भी काफ़ी जी क्या कुछ विशेष रहेगा नहीं, सब कुछ जो स्थानीय कलाकारों का जो कार्यक्रम होता रहा है वो रहेगा, बाकी तरह के स्टॉल बन रहे हैं वो सब होगा, जो भी प्रचार प्रसार में होना है, जो उत्सव है उत्सव के तमाम चीज़ें होंगी, तय हुआ है, काफ़ी हर चीज़ों को, हर अधिकारियों को जवाबदेही दी गई है, वो लोग अपने हिसाब से समय पर सब कुछ तय कर लेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ सारा कार्यक्रम होगा। बड़े ही खुशनुमा माहौल में, और हम क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही गौरव का बात है, खुशी का बात है कि कोरोना काल के बाद